दुकानदारों के विरोध कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया है। लुधियाना सवेरे 5 बजे तो दोपहर 12 बजे तक दुकाना खुलनगियां। अमृतसर ते फतेहगढ़ साहब विच ऑड इवन फॉर्मूले तहत दुकाना खोलने की इजाजत दी गई है। पंजाब विच ज्यादातर जिलों विच सवेरे 9 तो शाम 5 बजे तक दुकाना खोलने का समा तय किया गया है। हालांकि दस दें कि व्यापारियों अते दुकानदारों की मांग को मद्देनजर रखते हुए सरकार वालों यह फैसला लिया गया है, पर जिला प्रशासन को यह सख्त हदायत दी गई ने कि जे कोई इन्हों नियमों की उलंघना करेगा तो उस खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो पंजाब में दुकाना खोलने को रियायत मिली है। वख-वख जिलों में दुकाना खोलन का वख-वख समा तय किया गया है। दुकानदारों के विरोध कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तो जे गल की जाए लुधियाना की, तो सवेरे 5 बजे तो दोपहर 12 बजे तक इतने दुकाना खुलन गया। हालांकि व्यापारियों में रोस पाया जा रहा है कि गाहक ना होने के चलते इतने खासा नुकसान व्यापारियों हो रहा है। समा जड़ा है इसका बदलिया जाए, यह भी व्यापारी मांग कर रहे हैं। उत्थे अमृतसर और फतेहगढ़ साहब ऑड इवन फॉर्मूले तहत दुकाना खोलन की इजाजत दी गई है। पंजाब में ज्यादातर जिलों में सवेरे 9 तो शाम 5 बजे तक दुकाना खोलन का समा तय किया गया है। तो पंजाब सरकार वालों व्यापारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, पर दूजे पासे लगातार व्यापारियों और दुकानदारों में सरकार से इस फैसले को लेकर भी रोस पाया जा रहा है। इतने तर्क दिया जा रहा है कि पहला ही व्यापारी महामारी के चलते कई तरह दियां परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हुण जो समा इतने तय किया जा रहा है, जो पाबंदियां लगाईया जा रही ने, इसको लेकर होर दिक्कतां इतने वध गई ने, जबकि पहला ही उन्होंने कारोबार घाटे में सी। साढ़े नाल तीन सहयोगी बन गए ने, जलंधर तो पत्रस जुड़ गए ने, लुधियाना तो नवीन ते बठिंडा तो साढ़े नाल जुगनू शर्मा बन गए ने। सब तो पहला जलंधर का रुख कर दिया, फिलहाल इतने की कुछ समा तय किया गया है ते की कुछ फॉर्मूला तय किया गया है इतने पत्रस दुकाना खोलन नू लैके, क्योंकि सरकार ने व्यापारियों की मांग नू देखते हुए यह फैसला तो जरूर लिया है, पर नाल ही यह भी सख्त हदायतां ने कि जे कोई उलंघना करेगा तो उस खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। की कुछ तस्वीरां जलंधर में नजर आ रही ने फिलहाल? स्वाती बिल्कुल, वक्त तरीकों के नाल वक्त-वक्त जिलों के विच दुकाना खोलने के जिहड़े निर्देश जारी किए सन, और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तुसी अपने हिसाब के नाल तुसी फैसला तय कर सकते हो कितने सख्ती करनी है कितने ढिल देनी है। और जलंधर प्रशासन के वालों अज जिहड़ा सवेरे 7 बजे जिहड़ियां जरूरी समान वालियां दुकानां खोलियां गईयां सन, और गैर जरूरी समान वालियां दुकानां जिन्हां दे विच कपड़े दी दुकानां मनियारी दी दुकानां होर जिहड़ा समान जिसनूं सरकार ने गैर जरूरी चीज़ां दी कैटागरी दे विच रख्या वो जिहड़ियां दुकानां ने सवेरे 9 बजे खुल्लियां ने, और 9 बजे तो लैके दुकाना खुलनगियां। इतने कोई ऑड ईवन वाला फार्मूला नहीं है, ना ही कोई सज्जे खब्बे वाली दुकानों का फार्मूला है। इतने सारिया दुकाना खुलिया ने और 9 बजे खुलिया ने, और 3 बजे तक ये दुकाना खुलिया रहनगियां। 3 बजे तो बाद इन्हों बंद करना होगा। 6 घंटे का समय इन्होंने दुकानों मिले, और जिहड़ियां जरूरी समान वाली दुकाना ने जिन्हों के करियाने की दुकाना है या दुध ब्रेड वाली दुकाना ने उन्होंने सवेरे 7 बजे खोलने की इजाजत दी गई है। 7 बजे तो लैके 3 बजे तक वह खुलिया रहनगियां, पर 3 बजे तो लैके 5 बजे के दरमियान उन्होंने वालों होम डिलीवरी की जा सकती है। ये जो शेड्यूल है, ये जो प्रोग्राम है सरकार के वालों अनाउंस किया गया है। इतने जो दुकानदार है इतने 9 बजे तो 3 बजे तक का समा तय किया गया, दुकानदारों को दुकाना खोलने का समा दिया गया। लुधियाना का रुख करते हैं नवीन, इतने सवेरे 5 बजे तो 12 बजे का समा तय किया गया, 11 बज चुके ने। फिलहाल यही समा होंगे कि जब गाहक आने बाजार में दुकाना तो शुरू होंगे ने। हालांकि इतने फिलहाल की कुछ तस्वीर नजर आ रही है कि कोई गाहक आ रहे हैं, दुकानदारों का की कुछ रिएक्शन है इस फैसले तो बाद। देखो स्वाती, जो आप सवेरे 8 बजे तो तस्वीर दिखाईया लुधियाने दियां, उदो ग्राहक नहीं सी बाजारा विच, पर दुकाना खुलियां सी, क्योंकि लुधियाना दे विच जिहड़े आदेश जारी किए ने कोरोना वायरस नूं लैके 5 बजे तो लैके 12 बजे तक लुधियाना दे विच बाजार जिहड़े ने ओह प्रोपर खुले रहणगे, और 11 बज चुके, 11 तो भी उत्ते टाइम हो गया, 12 बजे का टाइम है बंद होण दा। हुण सड़कां ते चहल पहल जरूर नजर आ रही है, जिहड़े ग्राहक ने ओह आने शुरू हो गए ने, पर हुण बंद का जिहड़ा है ओह टाइम आना शुरू हो गया। कुछ ही
मिनट रह गए ने जिहड़े 12 बजे तक जिहड़ा बाजार पूरा है वह बंद करने के हुक्म दिए ने, पर जिहड़े व्यापारी ने वह काफ़ी परेशान ने क्योंकि सवेरे 5 बजे तो लैके लुधियाना दे विच 12 बजे तक जिहड़े बाजार जिहड़े खुले रहणगे और 12 बजे जिहड़े बाजार है पूरे लुधियाना दे विच लॉकडाउन लग जाएगा। सो व्यापारी आखते हैं कि हुण ग्राहक का टाइम होंगे जिहड़ा 12 बजे का वह टाइम होंगे, उस तो बाद साढ़े बाजार बंद हो जाएंगे, पर जिहड़ा यह समा दिता गया यह काफ़ी जिहड़ा है गलत समा, सगो समा यह देना चाहिए सी कि 11 बजे बाजार खुलो तो 3 बजे तक जिहड़ा है वह दुकाना बंद होने का टाइम होवे। साडे नाल प्रधान ने इस पूरे बाजार एसोसीएशन दे असीं सवेरे भी इन्हां नाल गल कीती सी, असीं लगातार ग्राउंड जीरो तो तुहाडियां दुकानां दीआं पूरीआं तस्वीरां दिखा रहे हैं, पूरे लुधियाणा दे विच बाजार खुले ने, की फायदा की होया? अज पहला दिन सी, कोई ग्राहक तां हुण नज़र आ रहे ने, इह तुहाडे लई नुकसानदायक है कि ठीक है टाइम? देखो इस टाइम तो पूरन तौर नुकसान का समय है क्योंकि कस्टमर जिहड़ा है 10:30 बजे तक बाहर निकलिया, उस तो ईद का त्यौहार है और जिहड़े खरीददारी करन आ रहे तकरीबन ईद की खरीददारी करन आ रहे लोग नवे कपड़े पाते हैं, लेकिन जो कस्टमर का टाइम होया तो हुणे अद्धे घंटे बाद लोगों के दहशत है बंद करनिया पैनगियां दुकाना, यह समा जिहड़ा बिल्कुल गलत है। साडा जिहड़ा टाइम है वह 9 बजे तो लैके 3 बजे तक होना चाहिए क्योंकि अगो ईद है तो साडा जिहड़ा कारोबार है वह पूर्ण तौर पर पहले ही मंदी की मार झुलस रहा है। असी चाहते हैं कि जिहड़ा टाइम टेबल है इसनूं बदलिया जाए क्योंकि अगो ईद करके हुण बाजार दे विच थोड़ी बहुत चहल पहल हैगी है और चहल पहल भी 10:30 बजे तो बाद शुरू हुई है तो हुण ही दुकानां बंद होनियां शुरू हो जाणियां, लोकां दे विच दहशत दा माहौल बणिया क्योंकि प्रशासन वल्लों इत्थे समां तय कीता गया है, पर इस समय तो नाखुश इत्थे व्यापारी लुधियाणा विच नजर आ रहे ने, बठिंडा तो जुगनू भी जुड़े हुए ने, बठिंडा विच की कुछ तस्वीरां फिलहाल इत्थे नजर आ रहियां ने, की कुछ हदायतां प्रशासन वल्लों व्यापारियां लई दुकानदारां लई जारी कीती गई है? देखो स्वाति, लगातार व्यापारी अते दुकानदारां दा जिहड़ा रोह है वह पंजाब सरकार दे खिलाफ जिहड़ा देखण नूं मिल रहा सी, प्रदर्शन लगातार कीते जा रहे सी, जिस तों बाद जिहड़ी पंजाब सरकार है वह भी झुकदी हुई नज़र आई ते हुण जिहड़ी राहत है व्यापारी वर्ग नूं दित्ती गई है। तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे आ, इस वेले असीं बठिंडा दी अफीम वाली गली च मौजूद हां, तस्वीरां च तुसीं देख सकदे हो बकायदा जिहड़ियां दुकानां ने वह खुल चुकियां ने, राहत है जिहड़ी वह 4 घंटे दी दित्ती गई है, सुबह जिहड़ा दुध बेकरी इस तों इलावा जिहड़ी फल सब्जी की दुकाना ने वह 6 बजे तो लैके 10 बजे तक खुल सकनगियां, इस तों इलावा जिहड़ी होर दूजियां दुकाना ने वह 10 बजे तो लैके 2 बजे तक खुल सकनगियां, 3 बजे तो जिहड़ा करफ्यू शुरू हो जाना है। व्यापार मंडल के पंजाब प्रधान अमित कपूर साडे नाल मौजूद ने, गलबात करदे आ। कपूर साहब, जिहड़ा फैसला लिया गया प्रशासन वल्लों, किस तरह के नाल देखदे हो कि फायदा होवेगा व्यापारी वर्ग का? जिहड़े फैसले सरकार लै रही है बिल्कुल बिजनेस नूं डोबण वाले फैसले है, साडे व्यापार नूं तबाह करन वाले फैसले है। सरकार नूं कदे भी नहीं पता लग गया भी बिजनेसमैनां नूं की प्रॉब्लम है ते की लोड़ है, ये हमेशा अपने डंडे चलाण जोगे रहे है, हमेशा इन्हां ने हर जगह ते अपने डंडे चलाने शुरू किए है, अपने हिटलरशाही जिहड़े ने हुक्मनामे शुरू कर देंदे है, सवेरे दुकानां बंद शाम नूं बंद, इन्नी हफड़ा थपड़ी हुंदी है, उस हफड़ा थपड़ी दे विच अज जिहड़ा करोना की बीमारी है, हर बंदे नूं पता है कि करोना नाल असीं लड़ना है, लेकिन सरकार जिहड़ी है कल्ली दुकानां बंद करा के करोना भजाना चाहती है तो करोना नहीं भजना इस तरह। सरकार नूं चाहिए कि कोई ना कोई बिजनेसमैनां वास्ते, कुछ छोटे व्यापारियों वास्ते कोई ना कोई रिबेट होवे, कोई ना कोई उन्हां नूं कोई फायदे होण, लेकिन सरकार हमेशा अपना काम करती है दुकानां बंद करा के जमा अपने बिलों के कदे उन्होंने कोई कमी नहीं देनी, ना उन्होंने कोई किराया के कमी देनी है, ना उन्होंने कोई बैंकों के ब्याज वास्ते सोचना है, ना किसी दुकानदार छोटे वास्ते देखना है कि उन्होंने दुकान का किराया निकल रहा कि नहीं निकल रहा, यह चीज़ा जब तक सरकार नहीं सोचूगी तो माहौल जिहड़े आ बाजार के जिहड़े आ सही नहीं होणगे। सरकार नूं चाहिदा है कि ए चीज़ नूं जल्द तो जल्द जिहड़ा है व्यापारियों वास्ते कोई ना कोई पैकेज देवे। बिल्कुल जुगनू, तो बेशक सरकार इत्थे व्यापारियों की गल सुनने तो बाद यह हदायत कर रही है कि व्यापारी तय समय दौरान दुकाना खोल सकते हैं, पर व्यापारियों विच इस फैसले तो बाद नाराजगी पाई जा रही है।